इस वक्त की एक बड़ी खबर, ट्विटर ने नए आईटी कानूनों के पालन के लिए सरकार से थोड़ा सा और समय मांगा है। दरअसल क्योंकि देश में महामारी की स्थिति है, उसकी वजह से उसे कुछ और समय चाहिए, ऐसा कहना है ट्विटर का। सरकार द्वारा बनाई गई सभी गाइडलाइंस का पालन करेंगे, ये ट्विटर ने कह दिया है। भारत सरकार के साथ रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे, ट्विटर नए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए हर कोशिश कर रहा है, नए आईटी कानूनों का पालन भी करेगा, लेकिन उसके लिए ट्विटर को वक्त चाहिए। ये ट्विटर की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नई गाइडलाइंस को लेकर आया है। इससे पहले आपको याद होगा एक फाइनल नोटिस भेजा गया था ट्विटर को और कहा गया था कि जो नए दिशा निर्देश हैं, जो नए कानून लागू करने की बात हो रही है सोशल मीडिया को लेके, उसे लागू करना होगा ट्विटर को। ट्विटर पर किसी भी तरह के कानूनों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वरना लीगल एक्शन फेस करना पड़ सकता है। जिसके बाद अब नए आईटी कानूनों के पालन के लिए थोड़े से और समय की मांग ट्विटर ने की है। अब एफबी ने भी फॉलो किए केंद्र की नई गाइडलाइंस, यानी कि फेसबुक ने अपनी वेबसाइट पर शिकायत अधिकारी का नाम पब्लिश कर दिया है। ये वन ऑफ द रूल्स है जिसका जिक्र आईटी इंडस्ट्री की तरफ से किया गया था। फेसबुक ने शिकायत अधिकारी की नियुक्ति का ऐलान कर दिया है। ये जो कंप्लेनिंग ऑफिसर है, इसके लिए स्फूर्ति प्रिया के नाम का ऐलान फेसबुक ने कर दिया है और बाकायदा इस नाम को मेंशन किया गया है। फेसबुक ने भी अब केंद्र की जो नई गाइडलाइन है उसे फॉलो करना शुरू कर दिया है। और केंद्र लगातार सोशल मीडिया साइट से कह रहा था कि जो नई गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाए। कंप्लेनिंग ऑफिसर का नाम फेसबुक ने अपनी वेबसाइट पर अब पब्लिश भी कर दिया है। स्फूर्ति प्रिया है कंप्लेनिंग ऑफिसर जिनका नाम मेंशन किया गया। तो नए आईटी नियम और कड़ाई के साथ इनका पालन भी करना होगा। तो क्या क्या नियम है वो आपको ग्राफिक के जरिए बता देते हैं, जिनको कंप्लाई करना ही होगा, चाहे वो फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, बाकी सोशल मीडिया साइट्स हो। दरअसल भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति एक करनी होगी, नोडल ऑफिसर और साथ ही कंप्लेनिंग ऑफिसर यानी कि शिकायत अधिकारी की नियुक्ति भी कंपलसरी है। इसके साथ ही ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ये नियम लागू होंगे। नियम नहीं मानने पर जो सरकार की तरफ से छूट दी जाती है वो वापस ले ली जाएगी। आईटी कानून और दंडात्मक प्रावधानों के तहत लीगल एक्शन भी फेस करना पड़ेगा। ये जो नए नियम हैं वो 26 मई 2021 से प्रभावी हैं और उसके बाद से अगर इन सोशल साइट्स ने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो लीगल एक्शन तक इन्हें फेस करना पड़ सकता है और सरकार की तरफ से दीवी छूट वापस ली जा सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।